इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि अयोध्या का जो मुख्य मामला है, मुख्य विवाद है, जो टाइटल सूट वाला मामला, उसकी सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। यानी 29 अक्टूबर से अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, 29 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होगी अयोध्या विवाद की। टाइटल सूट वाला जो विवाद है, जमीन वाला विवाद, मुख्य जो मामला है अयोध्या केस से जुड़ा हुआ, उसकी सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और ऐसे में अब जल्द फैसले की उम्मीद की जा सकती है। 29 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होने की सूचना मिल रही है। 29 अक्टूबर से राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, इसको सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो अयोध्या विवाद की सुनवाई 29 अक्टूबर से होगी, इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं निपुण सहगल के पास। निपुण, और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है इस्माइल फारूकी मामले में की गई टिप्पणी को पर पुनर्विचार के लिए या उसे बड़ी बेंच के पास भेजने के लिए। इसका साफ मतलब ये है कि अब इसको संविधान पीठ के पास नहीं भेजा जाएगा। मैं उस पर आऊंगा निपुण, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन ये जो मामला, जो खबर आ रही है कि 29 अक्टूबर से मुख्य मामले की सुनवाई होगी अयोध्या विवाद की, उससे जुड़ी क्या और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 अक्टूबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उससे हम इस मामले को सुनना शुरू करेंगे। हालांकि नियमित सुनवाई को लेकर नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट पहले ही कह चुका था कि इस मामले को नियमित रूप से सुना जाएगा। ऐसे में यही माना जा सकता है कि 29 अक्टूबर से इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी और इसे भूमि विवाद की तरह ही देखा जाएगा, यानी कि तीन जजों की बेंच ही करेगी सुनवाई। शुक्रिया निपुण सहगल इस जानकारी के लिए आपका। तो सबसे बड़ी खबर यही कि 29 अक्टूबर से अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू हो सकती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।